हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्टेशंस एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज आप लोगों के लिए पूरनपुर रेलवे स्टेशन से अपडेट लेकर आए हैं। कई चीज़ों का अपडेट देंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत अंधेरा भी आ जाए वहां पर, आप लोगों को स्पष्ट दिखाई ना दे, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। सामने देख सकते हैं मैलानी की दिशा में जो सिग्नल हैं वो जलने लगे हैं। तीन सिग्नल आप लोगों को लाल रंग के दिखाई पड़ रहे होंगे कि जल रहे हैं। अभी आप लोगों को करीब से भी यहां पर दिखाएंगे, देखिएगा तो बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा है रात के समय में जब यहां पर सिग्नल जल रहे हैं। अभी केवल मैलानी की दिशा में सिग्नल जलने शुरू हुए हैं, पीलीभीत की दिशा में भी उम्मीद है कि 2 से 3 दिन में यहाँ पर भी सिग्नल जलने लगेंगे। स्टेशन पर एक जो पुरानी ऑफिशियल बिल्डिंग कभी थी तो सुनने में आया है उसको भी तोड़ा जाएगा जब यहाँ पर DRM साहब ने पिछले हफ्ते दौरा किया था, क्योंकि काफ़ी जर्जर वो भवन हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर नई बिल्डिंग भी बन चुकी है, उसका भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोगों को पता भी है जहाँ पर फुट ओवर ब्रिज है वहीं पर नई ऑफिशियल बिल्डिंग बनी थी, OFC रूम, बैटरी रूम, रिले रूम, तो सब कुछ वहीं पर मौजूद है। हम आप लोगों को अब करीब से दिखा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, साइन बोर्ड और प्लस तीनों सिग्नल जल रहे हैं। चौथा दूर सिग्नल भी हम आप लोगों को करीब से दिखाते हैं जूम करके। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जो मैलानी की दिशा में एक चौथा सिग्नल जो दूर लगा हुआ है वो भी जल रहा है, ये देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा नज़ारा एक तरह से देखने में नज़र आ रहा है पूरनपुर रेलवे स्टेशन का। इसके अलावा जुनैद भाई का कहना है जो पुरानी जर्जर भवन था उसको गिराया जाएगा, उसके लिए 3 करोड़ का बजट भी जारी कर दिया गया है, ऐसा जुनैद भाई का कहना है। सामने भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, फुट ओवर ब्रिज के पड़ोस में हम पहुंच रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जो टीन शेड लगाने का काम था, आप नीला नीला देख सकते हैं दाएं दिशा में जहां पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, जो फुट ओवर ब्रिज का सीढ़ी वाला हिस्सा गिरा है, तो वहां पर टीन शेड लगाने का काम कर लिया गया है। यहां पर हम आपको निशान के रूप में दिखा रहे हैं, तो एटलीस्ट टीन शेड लगाने का काम भी पूरा कर लिया गया है। और ये भी कहना होगा कि ये जो पुरानी, सॉरी, सामने देख सकते हैं ये नई बिल्डिंग जो बनी हुई है और यहाँ पर टीन शेड पहले ही लगा लिया गया था, लेकिन जो पुरानी बिल्डिंग है तो जैसे कि वो तोड़ी जाएगी, तो CRS स्पीड ट्रायल भी सुनने में आया है कि जुलाई के महीने में होना है और अगस्त से ट्रेनों का संचालन पूरनपुर तक हो सकता है। तो इस बिल्डिंग के गिराए जाने से CRS स्पीड ट्रायल और ट्रेनों के संचालन पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा भी लोगों का कहना है। तो देखना होगा कि जब भी कभी बिल्डिंग तोड़ी जाएगी क्या CRS स्पीड ट्रायल या ट्रेनों के संचालन पर फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है। काफ़ी जर्जर बिल्डिंग है वो, और कई बार छोटा मोटा हिस्सा गिर भी चुका है, इस वजह से DRM साहब ने उसको गिराने का आदेश दिया है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सामने टीन शेड जो लगा हुआ है एक पुरानी बिल्डिंग है, इसी को तोड़ा जाना प्रस्तावित है और इसी के लिए जुनैद भाई ने कहा है 3 करोड़ का बजट जारी कर दिया गया है। और सही भी है कि पुरानी बिल्डिंग को तोड़ दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जब यात्रियों की भीड़ बहुत ज़्यादा हो कभी तो एकदम से बिल्डिंग भर भरा के गिर जाए। क्योंकि अभी हाल ही में पुष्पक एक्सप्रेस द्वारा एक बिल्डिंग गिरने की घटना हुई है मध्य प्रदेश में, जब तेज़ी से पुष्पक एक्सप्रेस निकली थी तो वो बिल्डिंग ढह गई थी, जिसमें कुछ लोगों को चोटें नहीं आई थी, यानी कि बच गए थे जो उसमें कर्मचारी थे, एकदम से दौड़कर उन्होंने अपनी जान बचाई। और हमारी कोशिश रहेगी कि दिन में भी आप लोगों को पूरनपुर रेलवे स्टेशन का अपडेट जल्द से जल्द दे सकें। तो फ्रेंड्स देखिए ये स्टेशन के बाहर का नज़ारा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और दी हुई जानकारी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।